हेलो एवरीबाडी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दीचर्स आर ट्वेंटी और हम कर रहे हैं अपनी क्लासेस ऑन द इंग्लिश पेपर फॉर एनी टीचिंग एग्जाम फिर चाहे वो आपका यू पी टी जी टी पी जी टी हो एन बी एस के वी एस हो डी ट्रिपल एस पी हो या आप ही के स्टेट का रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम तो देखिये हमने एक सीरीज जारी रखी है रोज बहुत से नए स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस के साथ जुड़ रहे हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि मैम हमने तो मिडिल से ज्वाइन किया पहले की क्लासेस कैसे अवेल करें तो देखिए दो तरीके आपके पहला तरीका तो आपके पास है कि आप सिंपली गूगल पे जाके ऐश्वर्या पुरी इंग्लिश लिटरेचर टाइप करिए और इनफैक्ट आप ऐश्वर्या पी टाइप करेंगे अपने में आगे जो है मेरे वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे तो जितने भी पुरानी वीडियोस हमने कवर की हैं वो सारी जो है आपके लिए अवेलेबल हैं टू व्यू दूसरा तरीका है सिंपल सा हमारे टीचर्स पेज को सब्सक्राइब कीजिए टीचर्स अंडर ट्वेंटी फोर सेवन पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए तो रोज़ चार बजे आपको मैं यहाँ मिलूंगी जहाँ पे हम इंग्लिश के पेपर को डिस्कस करेंगे सिर्फ एक संडे का ब्रेक लेती हूँ आपका भी ब्रेक है मेरा भी ब्रेक है तो उसमें जो है हम थोड़ा सा रिजिविनेट कर लेते हैं और मंडे टू सैटरडे रोज़ हम यूट्यूब पे जो है अपने इंग्लिश के सिलेबस को पढ़ रहे हैं जितने भी राइटर्स हम यहाँ कवर कर रहे हैं वो सारे के सारे ही राइटर्स सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही रेलिवेंट हैं बहुत ही ज़्यादा यू नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमारी तैयारी जारी रखे अब किसी ने पूछा मैम वर्ड्स वर्थ ओवर ये सिर्फ वर्ड्स वर्थ मैं आपको वही बता रही हूँ कि टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सिलेबस वास्टनेस की वजह से हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है ठीक है वो हम अपने पेड बैचेस में ही कवर करते हैं एज फार एज द यूट्यूब क्लासेज आर कंसर्न वी ट्राई टू कवर मतलब ऑफकोर्स द इम्पोर्टेंट पार्ट्स बट सिर्फ यूट्यूब पढ़ के हम सारी क्लास सारे टॉपिक्स को कवर नहीं कर पाएंगे ठीक है सो आप सब कैसे हैं कैसे हैं आप सब आज से हम जो है आ, हमारे जॉन कीट्स को शुरू कर रहे हैं जॉन कीट्स पी बी शैली भी हमारे किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक्स हैं तो उनकी तैयारी भी हमें अच्छे से करनी है विलियम वर्ड्सवर्थ को हमने काफी टाइम दिया है आइए अब हम जॉन कीट्स को शुरू करते हैं विलियम uh, वर्ड्सवर्थ के साथ जो है काफी सारा फिलोसॉफिकल और पोलिटिकल थियोरी का काम एसोसिएटेड था सो वी टुक यू नो अ ग्रेट डील ऑफ टाइम सेवन टू टेन डेज टू कवर हिम जॉन कीट्स के एज फार एज इट इज कंसर्न हैव टू अंडरस्टैंड्राफी नाउ इफ यू आर इन देड बच देव टू मेक श्योर दैटी कवरिंग एवरी थिंग इम्पॉर्टेंटली यूट्यूब क्लासेस में जो है मैं आपको अच्छे से अच्छा मटीरियल जो है यहाँ पे भी प्रोवाइड कर रही हूँ लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ जितना डिटेल में हम पेड बैच पे कर रहे हैं उतना डिटेल में यहाँ अभी नहीं होता है

प्रियंका देखिए प्रियंका अल्टीमेटली देखिए क्या होता है ना क्लास में अंडरस्टैंडिंग हम सब चीजों की कर रहे हैं सिलेबस बहुत ही वास्ट है एंड द आर्ज ऑफ एंगेजमेंट आप लोगों ने जब बैच खरीदा होगा आप लोगों को आप आई एम नॉट श्योर आपने ध्यान दिया नहीं जो टाइम टेबल था वो बहुत क्लियर था कि 12 से एक क्लास होगी या एक से दो तो होगी तो जो हमारा वो एंगेजमेंट है वन आर का उतना ही प्रोवाइडेड था पहले से उतना ही प्रॉमिस था एंड वन आर के एंगेजमेंट में प्रोवाइडिंग यू यू विद ऑल द ऑफ स्टडी हैव टू रिमेंबर दैट इज अ ग्रेट डील ऑन यू ऑल्सो आपकी तरफ से भी लर्निंग जो है वो मैटर करती है वो matter, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सो यू हैव टू मेक श्योर दैट वट एवर मटीरियल यू आर बींग प्रोवाइडेड विद आपकी सेल्फ स्टडी कैसे जा रही है वो भी इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ जी थैंक यू सो मच थैंक यू चलिए विदाउट एनी फर्दर डू आज के टॉपिक को शुरू करते हैं जॉन मिल्टन हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जॉन मिल्टन जो है मैं आपको बता दूँ हमारे हमने मैंने आप लोगों के साथ जब इनिशियली विलियम वर्थ्सवर्थ का टॉपिक शुरू किया था उसकी शुरुआत ही मैंने रोमांटिक मूवमेंट के साथ की थी हमारे किसी भी टीचिंग एग्जाम में सिर्फ राइटर्स या उनके वर्कस में या उनकी बायोग्राफी से क्वेश्चन नहीं बल्कि वो जिस लिटरेरी एज को बिलोंग कर रहे हैं उस लिटरेरी एज के भी क्वेश्चन आते हैं इसका मतलब जो कुछ इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड टॉपिक्स हैं वो भी हमारे लिए कवर करना इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है एज फार एस जॉन अ रोमांटिक पोएट बट वी हैव डिवाइडेड आर रोमांटिक पोएट इन टू टू जनरेशन कायदे से इफ आई वुड से आई विल कंसीडर इट

अगर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए देखें पेपर की तैयारी के हिसाब से देखें तो हम जो है रोमांटिक पोएट्स को जो है दो मेजर जनरेशन में पुट कर सकते हैं द फर्स्ट जनरेशन विल हैव द पाइनियर्स लाइक विलियम ब्लेक विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैम्यल टेलर कोलरिज ओके द सेकेंड जनरेशन विल हैव थ्री राइटर्स पीबी शैली जॉन बायरन। अब ये बात सच है कि इन सभी राइटर्स के राइटिंग स्टाइल्स इन सबके जो राइटिंग इथोस है इन सबके जो राइटिंग फिलोसफीज हैं, जिस रीजन की वजह से ये लिख रहे हैं अल्टीमेटली वो सब तो सेम है लेकिन अगर हम एक बेस क्रिएट करने की कोशिश करें तो मैं फॉर अ फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि जो हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन राइटर्स देख रहे हैं ये दोनों ही इनके जो बेसिक कुछ फंडे हैं वो बहुत ही अलग थे जॉन कीट जैसे मैंने बताया सेकंड जनरेशन के हैं किसी भी ईरा किसी भी लिटरेरी एज का जो फर्स्ट जनरेशन राइटर है उसकी कोशिश होगी पुरानी मूवमेंट से कॉन्शियसली ब्रेक करके अपने नए स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करने की राइट बिल्कुल इसी तरह अगर हम जब मैंने आपको विलियम वर्ड्स डिटेल में पढ़ाया था मैंने आपको बार बार उनकी हर पोयम में उनके स्टाइल ऑफ राइटिंग में या वो किस तरीके का लिटरेरी फॉर्म चूज कर रहे हैं मैंने बार बार आपको ये बात कही थी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की कॉन्स्टेंट कोशिश यही रहती है कि वो अपने वर्क्स में

सारी बातें बातें छोड़ के एक बार जस्ट मुझे सुनो और अच्छे से जो मैं पढ़ा रही हूँ प्लीज उसको समझने की कोशिश कीजिए ठीक है सो हाँ किसी ने लिखा फ्रीडम थ्रू नेचर माधवी बिल्कुल ठीक ये विलियम वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी थी कि वो अपनी लाइफ में जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो अपनी लाइफ की जो इमेंसिपेशन है लिबरेशन है अपनी लाइफ में पीस पाने की अगर कोशिश कर रहे थे कहाँ से कर रहे थे वो कर रहे थे थ्रू नेचर नेचर बिकेम अ मीडियम फॉर हिम पर अगर हम अपने सेकेंड जनरेशन राइटर्स तक आते हैं तो उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी बदल जाती है क्यों सारे रॉ मटेरियल्स उनके पास हैं ठीक है सारे रॉ मटेरियल्स उनके पास यहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं जैसे कि हम लोग कभी कभी क्लास में डिस्कस करते हैं कि भाई आम, हाँ जी तो हम कभी कभी क्लास में डिस्कस करते हैं कि मैम मैंने बी कर रखा है इंग्लिश में मास्टर्स भी कर रखा है तो क्या मेरे लिए पेपर क्वालिफाई करना इजी होगा मैं ये नहीं कह रही हूं कि गारंटी इसी से आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन हाँ आपका अगर एक बेस बना हो वो आपको मास्टर्स में भी हेल्प करता है और वो कंबाइंड आपका जो फाउंडेशन है वो आपको कोई भी पेपर क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा तो सेकंड जनरेशन राइटर्स के साथ भी ऐसा ही था क्योंकि फर्स्ट जनरेशन राइटर्स ने इनको एक बेस क्रिएट करके दिया हुआ था इसीलिए जो सेकंड जनरेशन राइटर्स हैं वो बहुत ही आसानी से रॉ मटेरियल्स को पिकअप कर पाए तो किस तरीके के सब्जेक्ट मैटर्स पे लिखना है उसका स्टाइल क्या होगा फॉर्म क्या होगा वो सब इन लोगों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट था विलियम वर्सवर्थ ने अपने में लिखा था कि उनकी जो

जॉन कीट्स का जो स्टाइल है वो बहुत ही अलग है जॉन कीट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो इनकी जो डेथ है वो 1820 में हो जाती है 1820 में ही विल डाई ओनली एट द एज ऑफ 25 इन द म्योर एज ऑफ 25 ही विल पास अवे इसका मतलब इनका जो पोइटिक जीनियस है उसको हम सही तरीके से इंप्लॉय भी नहीं कर पाए थे यूज भी नहीं कर पाए थे या इनको अपनी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं मिला

विलियम वर्ड्सवर्थ क्योंकि ये हमने किया हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं गुलाम प्री रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है मैं आपका कमेंट देख रही हूँ इट्स जस्ट दैट इफ लाइक 135 पीपल आर In the class right now and 20-25 people are constantly texting. Humanly, it's impossible for me to read all the text. I try to look at the text or the messages jo ek ka question ko answer karke 10 logon ke questions answer ho jaye बिल्कुल correct answer है 1850 में उनकी death हुई है 80 years की age में। ऐसे direct questions आपके paper में आ रहे हैं। तो याद कर लो इनकी death 1820 में हुई थी 25 years की age में। बहुत ही young age में 25 साल की उम्र तो कोई उम्र नहीं होती। लेकिन उस period तक भी उ जॉन कीट्स को समझने के लिए उनके पोइटिक स्टाइल को समझना जरूरी है या फिर उनकी पोएम्स को समझने के लिए पहले उनके पोइटिकल इतहस को समझना बहुत जरूरी है तो सबसे बड़ी बात जो मैं उनके बारे में कह सकती हूँ वो ये है कि उनकी पोएट्री में एक्सट्रीमिज्म ऑफ इमोशंस है उनकी पोइट्री में एक एक्सट्रीमिज्म ऑफ इमोशंस है अब विलियम वर्ट्सवर्थ ने भी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स की बात की है फॉर हिस पोइट्री पोइट्री की उन्होंने ये डेफिनेशन दी थी लेकिन देखिए फैक्ट ये है कि विलियम वर्ट्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो फिर भी थोड़ी सी लाइट हार्टेड फील होती है एज कम्पेयर वेरी वेरी थिक एंड डार्क इन देयर थीमेटिक कंसर्न ठीक है तो थोड़ा सा देखो वो एज ही लो हल्का सा बिकॉज कभी कभी क्या होता है वो एटीन आप जैसे बोल रहे हो बिल्कुल ड्यू टू ट्यूबिकुलोसिस कभी कभी क्या होता है वो पासिंग मंथ होता है तो वो हल्का सा वो डेट कंफ्यूजिंग हो जाता है, 2021. एक ठीक है और इनकी उसका रीजन एक बेसिकली ये था कि इनकी खुद की लाइफ जो है हार्डशिप से भरी थी जैसे मैंने बोला 25 साल की उम्र में तो इनको, इनकी डेथ हो गई है और इनको ट्यूबरकुलोसिस के जो फर्स्ट साइंस हैं वो एटीन एटीन से आने लग गए थे 1818 में की भी हो गई थी. इसका मतलब क्या है बाईस तेईस साल की उम्र में इनके ब्रादर की डेथ हुई है विद ट्यूबिकलोसिस फिर इनको खुद को भी जो है ट्यूबिकलोसिस हुआ है रियाड माइंडेड शेक्सपियर इज एस टी कोलरिज ओके स्वाति हां जी सो एक्सट्रीम इमोशंस का जो है एक्सप्रेशन हो रहा है इन हिज वर्क्स उसका रीजन ये है क्योंकि एक्सट्रीमली फील कर रहे थे क्या एक्सट्रीमली फील कर रहे थे इनकी लाइफ में बहुत सारी हार्डशिप थी खुद से Particularly health reason की hardships थी। जिस वजह से इन्होंने अपने को खोया है 1818, दो साल बाद इनकी खुद भी उसी सेम रीजन से होगी। तो वो जो में इनके ट्रबल्स थे जो परेशानियां थी पर्सनल लाइफ के कुछ इश्यूज थे वो सारे के सारे इन्होंने काफी ग्रेटली फील किए काफी डीपली फील किए वो एक्सप्रेशन जो है हमें इनकी पोएम्स में मिलता है दूसरा ही इज द मोस्ट सेंशुअल रोमांटिक पोएट अब सेंशुअल वर्ड का मतलब है

इनकी पोएम्स जो है हाईली सेंशुअल हैं और वो हमारे अंदर जो है बहुत सारी सेंसेस को हमारे इन्वोक करती हैं अगर मैं पर्टिकुलरली विलियम वर्सवर्थ की बात करूं उनकी पोएम्स जो हैं वो हमारे विजन के लिए विजनरी जो हमारी सेंस है उसके लिए काफ़ी सेंसिटिव है बट दैट इज़ नॉट द केस विद हिम हिज पोएम्स आर नॉट ओनली विजुअली विजुअली सेंशुअल हिज पोएम्स आर ऑल्सोअल इन अदर वे सो इन हिज पोएम्स यू विल फील एज इफ ही इज ट्राइंग टू You know, send a you know a sense of touch to you. He's trying to send a sense of smell to you. He's trying to send a sound to you. So in every way possible, आपकी body में जितने भी senses हैं, वो सारे के सारे जो हैं, excite हो जाते हैं, evoke हो जाते हैं इनकी पोइम्पड़के

ये एक एस्थेटिक थे ये एस्थेटिसिज्म में बिलीव करते थे ये ब्यूटी में बिलीव करते थे चीजों की और ब्यूटी से क्या मतलब है द ट्रूथ द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड जब एक इंसान अपनी लाइफ में लाइफ और डेथ के बेड पे पड़ा हुआ है लाइफ और डेथ के क्वेश्चंस पे मेडिटेट कर रहा है तो वो लाइफ की रियलिटी को कम से कम टाइम में समझने की कोशिश करता है लाइफ के मीनिंग को कम से कम टाइम में समझने की कोशिश करता है ठीक है क्योंकि ये अपनी लाइफ में कॉन्स्टेंटली उसी डिबेट से घिरे हुए थे इन हिज ओन पर्सनल लाइफ एंड इन हिज माइंड इन साइकी इसीलिए जो है इन्होंने एस्केप जो फाइंड किया अपना वो थ्रू एस्थेटिसिज्म और ब्यूटी किया तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो एंड अचीव करने की कोशिश की थ्रू नेचर जॉन कीट्स ने वही एंड अचीव करने की कोशिश की थ्रू एस्थेटिसिज्म एंड ब्यूटी बिल्कुल गुलाम उनका जो ये टाइटल उनकी जो फेमस लाइंस हैं ट्रूथ इज ब्यूटी ब्यूटी ट्रूथ दैट इज ऑल ये नीड टू नो दैट इज ऑल वी नो दैट इज ऑल ये नो एंड ऑल ये नीड टू नो बहुत ही फेमस उनकी है, उनकी क्लोजिंग की ऑफ टू एंड उसमें भी यही हो समाई है और जो लाइफ का ट्रूथ है वही हमें ब्यूटी प्रोवाइड कर रहा है इन दोनों के बीच में कॉर्डियल रिलेशनशिप एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है जिसको कि जॉन कीट्स ने अपनी पोएम्स के थ्रू uh, जो है um, एग्जामिन करने की कोशिश की है नैविगेट करने की कोशिश की है तो क्योंकि इनकी खुद की लाइफ में बहुत सारी सैडनेस थी सोरोज थे ग्रीव था उन ग्रीव्स को ओवरकम करने के लिए जो है वो इस तरीके की ब्यूटी ट्रूथ और एस्थेटिसम को फाइंड कर रहे थे ठीक है सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जॉन की हाईली सेंश पोएट इनकी पोएम्स मिलाई का खुद की लाइफ में जो है ये लाइफ और डेथ का एक क्वेश्चन बना हुआ था आप देखोगेड मॉर्टल डी के मॉर्टल क्या होता है जो चीज नश्वर होती है जो खत्म हो सकती होती है ठीक है दैट इज मॉर्टल तो क्योंकि इनकी लाइफ इनको अपनी आंखों के सामने दो साल एक बीमारी से डील करने के बाद ये खुद भी जो है इवेंचुअली विल डाई एट अ वेरी यंग एज और अपने डियरेस्ट यंगर ब्रदर को इन्होंने अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा तो मॉडल डी के इनके लिए कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं था अनलाइक अदर पोएट्स एंड राइटर्स जो डेथ को एक रोमांटिक आइडिया की तरह कंसिडर करते थे जॉन कीट्स के लिए वो उनकी डेली लिविंग रियालिटी थी इसका मतलब वेन ही इज अबाउट मॉडल डीके ही नॉट टॉकिंग अबाउट इट फ्रॉम अ फार अवे बट ही गिविंग हिज फर्स्ट हैंड अकाउंट फॉर इट इसलिए आपको इनकी पोएम्स में जो है स्ट्रॉन्ग इमोशंस देखने को मिलते हैं जब तक आप किसी चीज को खुद क्लोजली नहीं डील इफ यू आर अ गुड राइटर अ गुड पोएट आज ही जो है हम लोग uh, मेरे एनवीएस और uh, जो सेकंड बैच है टीजीटी पीजीटी यूपी का हम उसमें डिस्कस कर रहे थे विलियम शेक्सपियर के ऊपर का क्रिटिसिज्म जितने भी लोग मेरे पेड़ बैच वाले हैं यहाँ अगर आप लोग सुन रहे हैं हम आज ही डिस्कस कर रहे थे विलियम शेक्सपियर के ऊपर का क्रिटिसिज्म और अगर हमने उसमें से क्रिटिक्स को भी आज कवर किया उसमें से सात क्रिटिक्स तो यही कह रहे थे कि विलियम विलियम शेक्सपियर जो है वो रियल वर्ल्ड को वो नेचुरल वर्ल्ड को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी ब्यूटी जो है वो जो है वो मतलब वो वो चीजों को उनकी सोल तक जो है झांक पाते हैं और फिर उसको जो है अपने वर्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाते हैं चाहे वो चीजें उन्होंने पर्सनली फील की हो या ना की हो ये उनकी ग्रेटेस्ट मेरिट है लेकिन हर राइटर के साथ ये केस नहीं होता कई राइटर्स जो हैं वो अपनी ग्रेटनेस फाइंड करते हैं फ्रॉम द अकाउंट ऑफ थिंग्स दैट दे हैव एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड और विजुअलाइज्ड जॉन कीट्स के साथ भी कुछ ऐसा था उनका जो एक्सपीरियंस है विद डेथ विदMortality विथ डे अवे विथ डी जेनरेशन वो सारा का सारा जो है वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसिस से निकला है तो उनके लिए जो है लाइफ एक बाइनरी ऑपोजिट में चल रही थी एक तरफ जो है वो अपनी इस जानलेवा बीमारी से जूझ रहे थे दूसरी तरफ वो चीजों में लाइफ का ट्रूथ फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे वर्ल्ड की ब्यूटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे और ये ट्रूथ और ब्यूटी उनके लिए करंसी थे फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लाइफ लाइफ को क्या मीनिंगफुल बना लाइफ क्या चीज है जो लाइफ को मीनिंगफुल बनाती है क्या चीज है जो लाइफ को वैल्यू देती है आई एम जस्ट वेरी इनवॉल्व इन टीचिंग लाइव क्लास है, है? है. In, in, in है. जितो को भी डाउट हो रहा है ऊपर कोई गुलाम थे गुलाम लाइव क्लास है मनस्वी लाइव क्लास है ठीक है सो यू गाइज हैव है एनीवे, चलो जो जोक्स अ पार्ट जोक्स अ पार्ट लेट्स फोकस ऑन द क्लास ठीक है लेट्स फोकस ऑन द क्लास श्योर तू आई विल आई विल श्योर सो so, उनके लिए जो लाइफ है वो इस इस बायपोलैरिटी में ही चल रही थी एक तरफ वो लाइफ में जो है चीज़ों के एब्सोल्यूट मीनिंग्स एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू ट्रूथ एंड ब्यूटी एंड दूसरी तरफ वो अपनी ही लाइफ में जो है डी होते जा रहे थे डी होते जा रहे थे ठीक है तो इस तरीके से जो है उनके लाइफ जो है एक इस 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 झूले पे ऑसिलेट कर रही थी और आप उनकी अगर पोएम्स देखेंगे तो आपको एक्चुअली जो है अगर आप उसको ऊपर से पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि उनकी खुद की लाइफ में कितनी दिक्कत चल रही थी बिकॉज आपकी उनकी पोएम्स में इतना हाई लेवल ऑफ एस्थेटिसिज्म है उनकी पोएम्स इतनी हाईली सेंशुअल है कि आपको लगेगा that he was living his life to its fullest टर्म्स बट ओनली वेन यू नो यू अंडरस्टैंड कि लाइफ की एक एक्सपायरी डेट थी थी जो जो बिल्कुल उनके उनके सामने खड़ी इसलिए वो वो अपने हर मोमेंट को फुली फुली जी रहे थे फुली उनके साथ जो है वो जीने की कोशिश कर रहे थे तो वो एक आइडिया उनकी पोएम्स में जो है खास दिखता है अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हिस पोएम्लासेंट जो है किसी भी तरीके के क्लासिकल मॉडल को डिनाई कर दिया था क्यों क्योंकि उनका एजेंडा था अ कॉन्शियस ब्रेकिंग अवे फ्रॉम न्यू क्लासिकल स्टैंडर्ड्स तो अगर वो न्यू क्लासिकल स्टाइल ऑफ पोएट्री से कॉन्शियस मूवमेंट अवे कर रहे थे तो ऑब्वियसली जो है वो किसी भी तरीके के क्लासिकल लेजेंड्स क्लासिकल कैरेक्टर्स क्लासिकल फॉर्म्स या मैटर के ऊपर पोयम नहीं लिखना चाहेंगे दैट वॉज नॉट द केस विद द सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स चाहे वो पोए शैली हो लॉर्ड बायरन हो या कीट्स हो इन्होंने काफी मिडीवल कैरेक्टर्स लेजेंड्स और क्लासिकल लेजेंड्स को जो है उठाया था एंड इन्होंने जो 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 है studies, इन, उसके जो है उन, उन उन, उस है उसके उसके थ्रू थ्रू अपनी स्टडीज उन अच्छा बनाने के लिए तो अगेन इनका जो इनके पोएम्स में आप काफी ऐसे कैरेक्टर्स देखोगे कैरेक्टर्स का मेंशन देखोगे पर्टिकुलरली मैं बात करूंगी अभी इन्होंने ये एक लिखने की भी कोशिश की थी हाइपीरियन तो आप अगर पर्टिकुलरली देखते हो तो इनके हर वर्क में स्पेसिफिकली इस एपिक पोयम में आप देखोगे क्लासिकल लेजेंड्स क्लासिकल कैरेक्टर्स का बहुत हाई पॉपुलेशन है बहुत हाई इन्फ्यूजन है ठीक है सो so आपको ध्यान रखना है इस बात का कि अगर कोई भी ऐसा जब जब हम लोग मतलब डिटेल में इनकी पोएम्स को करेंगे जहां पे भी करेंगे करेंगे पे, पेड क्लासेस में जब करेंगे इसको तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी पोयम में कौन कौन सा लेजेंडरी कैरेक्टर है बिकॉज ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला जो कैरेक्टर है या इसके रिलेटिंग कोई अगर कोट है वो कौन सी पोयम से है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो

अब अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो देखिए इनके मेजर जो वर्क्स हैं इन्होंने काफी सारी मेन मेजर जो है पोएम्स लिखी हैं यू नो ही ही इज़ इज़ रिटन रिटन लेडोमिया अ कपल ऑफ यू नो सोनेट लाइक पोएम्स बट इनको सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो अपनी ओड्स के लिए जाना जाता है ठीक है सबसे फेमस ये अपनी ओड्स के लिए थे पर्टिकुलरली एटीन में उन्होंने अपनी ये सिक्स ओड्स जो है लिखी और भी थी लेकिन अगर हम थीमेटिकली देखें तो क्रिटिक्स ने जो है इन छह को एक साथ क्लब किया है अब क्या जॉन कीट्स ने ये लिखते हुए कॉन्शियसली सोचा था कि मैं इस तरीके की ओड लिखूंगा नहीं ऐसा उनका कोई एजेंडा खुद से नहीं था इस तरीके की जो क्लबिंग टुगेदर होती है वो जनरली क्रिटिक्स करते हैं आफ्टर अ राइटर एनालाइज और So, उनकी ये छह इंपॉर्टेंट सोनेट्स जो हैं वो सॉरी ओड्स हैं वो 1819 की कलेक्शन में जो है उनको क्लब टुगेदर किया गया है चेन टुगेदर किया गया है और इसलिए इनको फेमस ओड्स ऑफ 1819 बोला जाता है ठीक है अब इसको लिखने के पीछे उनका एजेंडा ये था कि उन्होंने अपने ब्रदर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है अपने पर्सनल लेटर्स में ये शेयर किया था कि मैं सोनेट टाइप पोएट पोएम्स लिखना चाहता हूँ पर मैं उसमें सोनेट के फॉर्म को और मास्टर करना चाहता हूँ मैं सोनेट के ही फॉर्म्स को और ज्यादा रिफाइन करना चाहता हूँ उसके स्टाइल ऑफ राइटिंग को एक लेवल आगे लेकर जाना चाहता हूँ तो um, क्योंकि uh, ये अपने ही पर्सनल फीलिंग्स और इमोशंस अपनी पोएम्स में एक्सप्रेस करना चाहते थे ही वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि एक लिरिकल फॉर्म ऑफ पोएम होगी एंड ही थॉट हीड पिक अप विद सोनेट्स बट इवेंचुअली व्हेन ही स्टार्टेड राइटिंग दीज वर्क्स चाहे वो पोएम्स ने सोनेट का फॉर्म अडॉप्ट किया या नहीं किया

अगर आपने पेड बैच लिया है दैट विल गिव यू ऑल द मटीरियल टू यू नो क्वालिफाई योर एग्जाम एंड यू यू कैन यू हैव टू सप्लीमेंट दैट क्लास दो क्लासेज विद योर यू ट्यूब क्लासेज एज फार एज ओनली यूट्यूब टाइम की वजह से हम कंप्लीट सिलेबस यहाँ नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए जो है इट्स ऑलवेज बेटर कि हम लोग जो है अपना यू uh, नो uh, uh, you know, अगर आप सीरियसली इस पेपर को क्वालिफाई करना चाहते हैं सो आई सजेस्ट यू बाय अ पेड बैच ओके हाँ जी वेरी गुड जया ने कमेंट किया है स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी एपिसोडी नहीं ईपोडी e ठीक है बिल्कुल मनीष बिल्कुल ठीक है दीप्ति बिल्कुल ठीक है स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी ईपोडी ये तीन स्टैंडा वाला जो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी एक दूसरे के मिरर स्टैंडाज होते हैं जो स्ट्रक्चर जो आइडिया डिक्शन फॉर्म स्ट्रोफी में है उसका बिल्कुल रिवर्स इनवर्स एंटी में आता है तो ये दोनों मिरर

मैं टॉपिक्स ही वही उठाती हूँ बेसिकली जो सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट है आई थिंक क्लास शुरू करते ही मैं पहली बात यही बोलती हूँ कि ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं ये सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत रेलेवेंट हैं ठीक है बिल्कुल ठीक इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं यहां पे ब्रिज शशि सत्यम एंड गुलाम बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट स्ट्रोफी एंटी स्ट्रोफी ईपोडी ये स्ट्रक्चर वाला है क्या जॉन कीट्स ने एग्जैक्टली exactly उस स्ट्रक्चर के साथ कन्फॉर्म किया है नहीं अगर वो किसी का सोनेट लिखना चाहते थे क्या एग्जैक्टली exactly सोनेट के फॉर्म के साथ कुछ के साथ किया है कुछ के साथ नहीं किया है अल्टीमेटली उनका जो पर्पस था वो ऑब्सेशन विद द फॉर्म नहीं था अल्टीमेटली जो उनका सब्जेक्ट मैटर था वो उनकी पोएम्स का प्राइम कंसर्न था वो अपनी पोएम्स में जो है अपने सब्जेक्ट मैटर पे फोकस कर रहे थे इसलिए उसको हम ज्यादा ओड में क्लासीफाई कर सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को ग्लोरीफाई किया गया है उसको एक ट्रिब्यूट है उसको रिस्पेक्ट पे की गई है अब आप लोगों ने जो है ये छे के छे पोएम्स के नाम लर्न करने हैं क्योंकि बहुत सीधा सा पार्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट ओड ऑफ जॉन कीट्स ऑफ 1819 या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट ओड सो दैट वेज यू नो यू हैव टू फाइंड वन ऑफ द आंसर्स सो ओड टू अ नाइटिंगेल ओड ऑन अ ग्रीशियन ऑन ओड ऑन इंडोलेंस ऑन ओड टू टू साइकी एंड ऑटम ये छह इनकी की ग्रेट ओड्स की कॉम्पोनेट्स हैं यू हैव टू रिमेंबर देयर नेम्स पेड बैच में ऑफ कोर्स मैं इस सब पोएम्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है आपको प्रोवाइड करूंगी तो हमारी YouTube क्लासेस में भी जो है मेजर पोएम्स को कवर करेंगे मेजर पोएम्स को डेफिनेटली कवर करने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये भी याद रख लीजिए कि इनकी एटीन नाइनटीन वाली जो छे ओड्स हैं उसमें से ओड टू अटिल इनकी लॉन्गेस्ट पोयम है और ओड ऑन मिलानकिली इनकी शॉर्टेस्ट पोयम है फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो सब लोग फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में लिख दो देखो लोगों को एक बात बताती हूँ देखिए मैंने अभी क्या बोला है सिर्फ पी, सिर्फ यूपी यूपी टीजीटी टीजीटी का जो सिलेबस है जिसमें एग्जैक्टली exactly राइटर्स के मेंशन है सिर्फ उसमें ये आ, ये मेंशन नहीं है उस सिलेबस में अगर आप एनवीएस के सिलेबस की बात करो टीजीटी की उसमें ये मेंशन है डी ट्रिपल एस में ये आएगा ठीक है केवीएस में ये आएगा इन सब पेपर्स में ये आएगा सो आपको ध्यान रखना है इस बात का सिर्फ यूपी टीजीटी है जिसमें ये एक टॉपिक मेंशन नहीं है यूपी पीजीटी में मेंशन है और बाकी जितने टीजीटी एग्जाम्स हैं उन सब में जॉन कीट्स इंपॉर्टेंट है ठीक है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि ओड टू अ नाइटिंगेल इनकी लॉन्गेस्ट ग्रेट ओड है और ओड ऑन इनकी शॉर्टेस्ट ग्रेट ओड है इसको लर्न करने के लिए आप ट्रिक भी है यूज कर सकते हो कि एम और एन एन फॉर नाइटिंग एम फॉर मिलानकिली सो एम एम और एन एल्फाबेटिकली हम अगर देखें तो एक साथ ही आते हैं है ना तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो पहले एम फिर एन तो एम छोटा हुआ एन बड़ा हुआ सो एन वालांकिली वाला एम इज हिज शॉर्टेस्ट वन ये आप लोगों ने जो है लर्न करना है ठीक है ओके वेरी गुड वेरी गुड टू ऑटम नहीं है साधना साधना ने टू ऑटम डाला है बीच में टू ऑटम लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट में नहीं है

हाइपीन ये दोनों ही जो है इनकम्प्लीट वर्जन में है हमारे पास क्लासिकल माइथोलॉजीज में यूज हैं और ये इनका एक मच अवेटेड मच एंटिसिपेटेड हाईली एम्बिश लिट्रेरी प्रोजेक्ट था जिसको कि ये कम्प्लीट नहीं कर पाए थे ठीक है तो आपने इसको जो है याद करना है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इनकी बीमारी की जहाँ तक बात करें इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ही एस्पेक्ट जो है आपको लर्न जरूर करने पड़ेंगे देखिए ये uh, 18, 18 में, With his other poet friends and critic friends, he went on a tour to the Lake District in the year 1818. 1818 में जब वो वहाँ घूम रहे होंगे, तो वहाँ पे uh, constantly Uh, बारिश में घूमते हुए गीली जगहों पे घूमते हुए लेक एरिया ट्रैवल करते हुए कवर करते हुए फॉरेस्ट में ऐसे ही घूम रहे हैं बारिश हो गई भीग गए ऐसे ही चलते रहे इस वजह से जो है ही कॉट द यू नो आई एम नॉट श्योर इज आई थिंक इट्स अ बैक्टीरिया बट वट एवर ही कॉट द यू नो जर्म फॉर ऑफ ट्यूबरकिलोसिस एंड ही स्टार्टेड इट सींग हिज फर्स्ट सिम्टम्स देर सो दिस इज ईयर व्हेन ही बहुत देर तक जो है उनको बचा के रखने की कोशिश करेंगे उनकी सेवा करेंगे लेकिन 1818 में हिज यंगर ब्रदर विल डायफ द सेम प्रॉब्लम ठीक है आपको ध्यान रखना है कि इस ट्रिप से वापस आके एक तो इनकी बीमारी शुरू हो गई थी ठीक है एक तो ऑफ कोर्स ही वाज सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम हो सकता है ये एक दो तीन साल और अपनी लाइफ आगे खींच लेते बट देयर वर अदर रीजंस जिसकी वजह से इनकी जो डेथ है वो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई थी पहला तो था इन्होंने जो अपनी फर्स्ट पोएम्स की पब्लिकेशन के पब्लिश करवा के गए थे बिफोर गोइंग ऑन दिस ट्रिप उसको बहुत ही ब्रूटली अटैक किया था ब्लैकवुड्स मैगजीन ने ये आपका क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि ब्लैक फूड मैगजीन ने बहुत ही गंदा रिव्यू दिया था ऑफ हिस्स फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो जब ये ट्रिप से वापस आए एंड ही रेड अबाउट इट ही ही फाउंड फाउंड इट टू बी वेरी वेरी डेविस्टेटिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग सो ऑलरेडी सिक एंड इल ही ऑल्सो स्टार्टेड लूजिंग हिज विल पावर ही स्टार्टेड लूजिंग हिज कॉन्फिडेंस ही स्टार्टेड लूजिंग फेथ इन हिज ओन पोएट्री सो वो एक रीजन बना जिसकी वजह से ना कि सिर्फ फिजिकली बट मेंटली साइकोलॉजिकली इमोशनली भी उनकी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती रही उसके बाद अगला इनके वर्क्स को जो ग्रेट अटैक पड़ा था वो पड़ा था बाय द क्वार्टरली रिव्यू क्वार्टरली रिव्यू जर्नल ने भी इनके मच एम्बिशियस वर्क एंडीमियन को जो है ब्रूटली अटैक किया था ठीक है उस अटैक की वजह से इनको फिर से एक ग्रेट ब्लो मिला इनफैक्ट इनकी डेथ के बाद इन मैगजीन्स के ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि आपको एक बीमार इंसान के ऊपर इतना हाईली ब्रूटल क्रिटिकल यू नो अटैक करने की क्या जरूरत थी बट खैर ये लिटरली मैगजीन्स थे इनके अंदर क्रिटिकल ऐसे पब्लिश होते थे सो so ये तो हम नहीं कह सकते कि आपने ऐसा क्यों किया बट हम ये फॉर अ फैक्ट जानते हैं एज अ हिस्टोरिकल डिटेल एज अ बायोग्राफिकल डिटेल कि जॉन कीट्स को अगर ये बीमारी हुई और उनकी डेथ पांच साल दूर थी चार साल दूर थी तो इन अटैक्स की वजह से इन क्रिटिकल अटैक्स की वजह से उनकी डेथ थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड हो गई थी और odds, इसके बाद वो कोई जो उठाते थे कंप्लीट नहीं कर पाते थे या काफी लेवल तक जो है उनका जो मोराल है वो काफी ज्यादा डाउन चला गया था एंड एक साल जो है वो काफी ज्यादा बेड रिटर्न थे काफी परेशान थे एंड लाइक

सो जॉन कीट्स के बारे में ये एक बेसिक्स इंट्रोडक्शन है जो हमने किया है कल से जो है हम इनके कुछ मेजर पोएम्स उठा के उनको रीड करके समझने की कोशिश करेंगे एंड मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पेड बैचेस हैं उसके अंदर तो मैं सारी पोएम्स के जितने भी पेपर रिलेटेड इन्फॉर्मेशनस हैं डिटेल्स हैं आपको वो सब प्रोवाइड करूंगी यूट्यूब पे उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो है हम कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स को जो है डिस्कस करेंगे उनकी लाइन्स या उनके फॉर्म स्ट्रक्चर को देख सकते हैं बिकॉज ही इज नॉट रिटन वेरी लॉन्ग पोएम्स तो दीज कवर्ड बेसिकली आप लोगों ने करना क्या है बेसिकली यू कैन गो टू देज ऑफ अडर ट्वेंटी फोर सेवन ठीक है आप हमारी वेबसाइट को विजिट करिए कल कल बहुत लोगों ने आ, उस स्कीम का फायदा उठाया जिसमें कि हम आपको 1899 में जो है फ्लैट में यूपी टी जी टी पी कोर्सेज दे रहे थे देखिए अगर आप अभी भी इंटरेस्टेड हैं कोर्स बाय करने में तो मैं आपको अभी भी लेट नहीं हुआ है क्योंकि कल के कल में आई कैन गारंटी यू इट इट वॉज अ मेगा सेल हैपेंड डेट सो टीचिंग एग्जाम्स में अगर आप जाएंगे तो हमारे बैचेज ऑलरेडी अभी रनिंग हैं यूपी में हमारे पास जो है सीट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कर क्या सकते हैं

किया तो अगले साल के 29 जुलाई तक आप जो है इसको वेल कर पाएंगे डबल वैलिडिटी में क्या हो जाता है उसी सेम प्राइसिंग पे जो है आपको जो वैलिडिटी वन ईयर के कोर्स के लिए मिल रही थी अब वो आपको मिलेगी टू ईयर के कोर्स के लिए ठीक है इससे बेहतरीन मौका सुनहरा मौका हो नहीं सकता और बेस्ट बात क्या है कि इसमें आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी मिल रही है तो आपको और कहीं से टेस्ट सीरीज खरीदने की जरूरत नहीं है आप यहीं से उसको जो है अवेल कर सकते हैं आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको जो है ये पंद्रह हजार के कोर्स में कोड लगाना है वाई फाइव फोर टू 542 आपकी पे भी फ्लैश हो रहा है मैं आपको बता भी देती हूँ वर्बली कमेंट सेक्शन में जितने भी मेरे पुराने हैं जो ऑलरेडी मेरा, मेरा बाय कर चुके हैं -फट एंड है? अगर आप इसको देखो अप्लाई करोगे तो छोटा सा जादू हो जाएगा छोटा सा मैजिक हो जाएगा और ये पंद्रह हजार का कोर्स आपको पड़ेगा महज थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज में थर्टी थ्री हंड्रेड रुपीज में आपको जो है ये कोर्स खरीदने को मिलेगा बाय लगा के एंड ये कोर्स वैसे आपको एक साल के लिए मिलना था अब ये आपको पूरे दो सालों के लिए मिलेगा तो आपके परिवार में अगर और कोई सपोज एक इंसान जो है साइंस में अप्लाई करना चाहता है टीचिंग एग्जाम में दूसरा इंग्लिश में करना चाहता है सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन अवेल राइट नाउ इनफैक्ट मुझे नॉलेज नहीं थी आज डबल वैलिडिटी आ रहा है वरना मैं पहले ही आप लोगों से इस बारे में बात कर लेती बट अभी वेबसाइट खोली तो देख के मैंने एकदम से रियलाइज किया तो जो जो लोग भी इस वक्त इंटरेस्टेड हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम अपना डी ट्रिपल एस बी का बैच लॉन्च कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी की भी क्योंकि वैकेंसीज आई हुई हैं हम इसका भी बैच लॉन्च कर रहे हैं अगले महीने से एनबीएस का प्रॉबेबली हैं। तो आप में से जितने लोगों को लग रहा है कि भाई देर हो गई है या ऐसा कुछ ऐसी बात नहीं है डबल वैलिडिटी में कोर्स को खरीदने का हमेशा फायदा रहता है आप इसको अभी खरीदिए ताकि जब टाइम आए तो आपके पास ना कि सिर्फ एक बार हमारे पेज पे अवेलेबल सारे कोर्सेज का ओपन एक्सेस हो अलोंग विद फ्री ई बुक्स एंड टेस्ट सीरीज सो माई डियर फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीबी फॉर जॉइनिंग विद मी थैंक सो मच एवरीबी फॉर टाइपिंग बाई फाइव फोटो जिस जिसने लिखा है अभी मैं आपसे मिलूंगी इसी पे में हमारी दूसरी क्लास में जहां बहुत इंपॉर्टेंट आपके साथ एक चीज डिस्कस करनी है हम बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दैट इज अबाउट टू हैपन कौन सा एग्जाम है फटाफट मेरे साथ दूसरी वीडियो में आ जाओ आइए वहां पे देखते हैं दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग विद मी आई विल सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस आई एम प्रोफेसर ईश्वरियापुरी टेक केयर बाय बाय